भारी सुरक्षा के बीच सबरीमाला मंदिर के कपाट खुले। केरल पुलिस ने 10 महिलाओं को वापस लौटाया। महिलाओं की सुरक्षा पर केरल सरकार का यू टर्न। कहा, किसी महिला को पुलिस सुरक्षा चाहिए तो कोर्ट का ऑर्डर दिखाना होगा। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की राज्यपाल संयुक्त बैठक टली। कल सोनिया गांधी से शरद पवार की मुलाकात। शिवसेना ने लगाया बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप। रिलायंस कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर पद से अनिल अंबानी का इस्तीफा। अनिल अंबानी के अलावा चारों निदेशकों ने भी पद छोड़ा। आर्थिक मंदी के खिलाफ 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस करेगी भारत बचाओ रैली। कांग्रेस ने कहा, देश में आर्थिक इमरजेंसी। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में आज भी AQI 500 के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिल्ली में एयर प्योरीफायर टावर लगाने को कहा। राफेल मुद्दे पर राहुल गांधी से माफी की मांग करने को लेकर बीजेपी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। और इंदौर टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराया। मैच में दोहरा शतक जमाने वाले मयंक अग्रवाल मैन ऑफ द मैच।